हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। सुषमा ब्लॉग में स्वागत है। आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है दोस्तों, तो ब्लॉग स्किप मत कीजिएगा। तो क्या है ना, आज मैं जा रही हूँ जगन्नाथपुर की श्री जगन्नाथ जी की मंदिर में, और आज मेला भी था। मतलब उस दिन मैं वीडियो को लेट से एडिटिंग कर रही हूँ, और मैं 2-3 दिन पहले गई हुई थी, ठीक है। तो मैं ना मेला वाला ब्लॉग डाल दी हूँ, और ये हमारा मंदिर वाला सेम टू सेम मतलब बड़ा हो जा रहा था, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट किया और मंदिर का एक्सप्लोर कर किए हैं इसमें, और देखना ज़रूर। और इसमें जो है ना रथ यात्रा निकला हुआ था, श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, तो मैंने उसका ब्लॉग डाल ही दिया था। और देख सकते हो यहाँ पे मैं इनसे, ये अंकल से बात कर रही थी, जो हमारे जो श्री जगन्नाथ जी हैं ना, वो मौसीबाड़ी से यहाँ पे अपने मंदिर में यहाँ पे स्थापना मतलब यहाँ पे आ गए हैं, बृहस्पतिवार को ही आ गए थे। तो मैं लेट से गई थी, 2 दिन बाद गई हुई थी गाइज, और यहाँ पे वही मैं पूछ रही थी। और यहाँ पे जाने के लिए ना, यहाँ पे जाने के लिए 2 द्वार भी है, इधर से भी सीढ़ी है, उधर से आप गाड़ी या जैसे भी मतलब आने जाने का सुविधा भी है यहाँ, जैसे बाइक वाला अलग है और इसका अलग है। हम लोग पैदल ही ऐसे जा रहे हैं, सीढ़ी से ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे गाइज मैं ऐसे ही बताते जा रही हूँ। और यहाँ पे एक है ना, दोस्तों तो ये देखिए, हम लोग अभी जगन्नाथपुर रांची वाला मंदिर के सीढ़ी चढ़ते हुए जा रहे हैं। इनका मेन द्वार है जगन्नाथ जी, जो कि हमारे महाप्रभु जगन्नाथ जी पुरी के छोटा सा दूसरा। हेलो गाइस, मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ मंदिर में, और यहाँ पे ऐसा लगेगा आपको ना जैसे स्वर्ग में आप एंट्री कर रहे हो, इस तरह से लगेगा यहाँ पे। आप एक बार ज़रूर यहाँ पे आकर के देखें, और आपको इतना अच्छा लगेगा, सुकून और शांति मिलेगा ना। ये भोलेनाथ जी की मंदिर है यहाँ पे, और यहाँ पे ना श्री कृष्ण जी हैं, और श्री बलराम जी और सुभद्रा माता, तो बलभद्र श्री बलभद्र स्वामी और श्री जगन्नाथ जी और सुभद्रा माता हैं, ठीक है। तो तीनों भाई बहन है यहाँ पे, तो इन्हीं का यहाँ पूजन होता है। तो हम लोग बोलते हैं प्रेम से, बोलिए जय श्री जगन्नाथ जी की जय हो। तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा गाइज, और आप अगर आ सकते हो तो यहाँ आ कर के दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे ना वीडियो करना माना था, और उसके बावजूद भी हमारे पति देव जी देख सकते हो कैसे कैसे कर रहे हैं, और सेम टू सेम मुझे ऐसा ही लग रहा था ना, जैसे जे कोई तो स्वर्ग नहीं देखा है, लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसे ही फीलिंग हो रही थी। पूरा यहाँ का द्वार इस तरह से ही है, और सामने आपको सुभद्रा माता और श्री जगन्नाथ जी और बलभद्र स्वामी की जय बोलिए और प्रणाम कर लीजिए। और यहीं पे आपको वीडियो करना माना था, और जस्ट हम लोग चले आए थे, बोल दिए कि वीडियो करना माना है, तो मैंने कैमरा बंद कर दिया, मतलब मेरे हस्बैंड जी, और मैं निकल गई बाहर, और हमारा राजन ऊपर चला गया है, जैसे प्रणाम वगैरह किया। ऐसे यहाँ पे ऊपर चढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि पाँव वगैरह लग जाता है, तो ऊपर में नीचे में भगवान जी हैं, ऊपर में चढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन सारे लोग चढ़ रहे थे। और यहाँ पे ना पूरा आपको इधर उधर सारे लोग ऐसे कर रहे हैं, और ये जैसे पुरी में है ना, पुरी में बहुत बड़ा मंदिर है, और वहाँ से जैसे एक राजा थे यहाँ तो रांची में, और वही यहाँ पे स्थापना किए हैं, और हमारे जो श्री जगन्नाथ जी हैं ना, उन्हीं के सपन में आकर के बोले थे कि आप यहाँ पे हमारे मतलब ले चलो, गए थे। तो ये कहानी बहुत बड़ा है, तो फिलहाल हमारे मंदिर की आप देखिए और ब्लॉग देखिए, तो अगर आप कहानी सुनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी इच्छा जागेगा कि मतलब मैं जाऊँ दर्शन करूँ। और यहाँ अगर आप पूरी नहीं जा सकते हैं
तो यहाँ आकर के रांची में आप दर्शन कर सकते हैं। और फिलहाल तो मेरे ब्लॉग के माध्यम से आप दर्शन कर ही लिए होंगे, तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, भर भर के लाइक जरूर कीजिएगा। और आप सभी को श्री जगन्नाथ जी आपको हर मनोकामना पूर्ण करेंगे दोस्तों, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे गाइस ना जैसा भी है यहाँ पे वहाँ पूरी की जैसे मंदिर है ना और यहाँ पे उतारा गया है सेम टू सेम यहाँ, तो इसी तरह से यहाँ पे है। और यहाँ का लुक और नज़ारा इस तरह से है। और यहाँ पे हमारे श्री राधा रानी जुगल सरकार हैं यहाँ पे, और हमारे गणपति बप्पा जहाँ पे हैं। तो हर जगह पे हमारे बप्पा अगर नहीं रहेंगे तो कैसे होगा, है कि नहीं? तो अगर हमारी बातों में अगर और ये हमारी राधा रानी कोई सरकार तो इग्नोर कीजिएगा और माइक कीजिए और बताइएगा राधा रानी के दर्शन कर सकते हो आप यहाँ पे कैसे। और यहाँ पे है ये दरवाजा के सामने और वहाँ वाला सामने तो बहुत और सामने सब देख सकते हो पूरी में कैसा होगा। यहाँ ऐसा है तो पूरी में कैसा होगा, तो गाय जगह वहाँ पे जाएंगे तो आपको भी दिखाएंगे, कभी प्लान करेंगे पूरी जाने के लिए। तो जल्दी से जल्दी हम लोग निकल रहे हैं गाइस घर से, टच कर दीजिए मतलब मंदिर से, यानी मतलब आप 4000 वाच टाइम पूर जाएगा तो हमारा फिलहाल मोनेटाइज भी हो जाएगा। तो गाइस भर भर के कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं दर्शन वगैरह करके आ चुकी हूँ और हम लोग लेट से गए थे इसलिए पूजा नहीं किए थे। और मॉर्निंग के टाइम में जाने से ना पूजा वगैरह करने में अच्छा होता है, तो कभी हम लोग जाएंगे यहाँ पे। फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आई हूँ और बाबू लोग छोटा था तो मैं यहाँ पे मैं नहीं आ पाई थी। और यहाँ पे बाहर निकलने के बाद यहाँ पे अशोक का पेड़ ऐसे ही देख सकते हो, ऐसे मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो यहाँ ना बाहर निकलने के बाद यहाँ आपको सॉलिड दिख रहा है रांची का फुल नज़ारा, और यहाँ हरा भरा, और यहाँ पे फ़ोटो क्लिक होते हैं और रील्स भी बनाए जाते हैं और बहुत सारा यहाँ पे देख सकते हो। ये है आपको मोटरसाइकिल कार के आने की सुविधा है, और डायरेक्ट आप आ सकते हो ऊपर में। अगर सीढ़ी से आने का मन नहीं है तो कार या बाइक से आ सकते हो। फिलहाल तो मैं आई हूँ ये सीढ़ी से, और सीढ़ी से ही आना चाहिए जब आप और यहाँ मैं दिखा रही हूँ जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे हो। ऐसे गाड़ी से आ रही है, जाओगे नहीं इधर से, नीचे साइड से क्या होगा, इधर से भी आने की रास्ता है, देख गाड़ी से और डायरेक्ट सॉलिड गाड़ी ऐसा अच्छा ऊपर चढ़ जाती है। तो मेरे नज़रिया से तो आप जाओ यहाँ से नीचे से ही क्या बोलते हैं सीढ़ी से, तो भगवान भी आपको हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। बाकी आप देख सकते हो हमारे ब्लॉग, और आप इस साइड से भी जा सकते हो, ये देखो इधर से भी घुस सकते हैं इधर से, और उधर से भी मेन द्वार उधर से है, साइड से भी है। और ये देखो पूरा जगन्नाथपुर की लुक नज़ारा। और ये है बेल का पेड़ जो इधर सावन में बेल पत्र चाहिए ही चाहिए। और ये देख सकते हो डॉगी को भी घुमाने के लिए लाए हैं। सामने में स्टेडियम है देखो, किधर है फुटबॉल ग्राउंड है उधर है क्या, ये क्या है स्टेडियम ही है ना, वो वाला क्या है वो, हमें लगा कि मिस्टेक हो गई क्या लाइट से पता नहीं चल रहा। हाँ अब
अब हम लोग घर जा रहे हैं और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय श्री जगन्नाथ जी की, बलभद्र स्वामी की, सुभद्रा माता की जय हो, जय श्री जगन्नाथ जी। और बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।